नमस्कार, मैं आशुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। देश में भले ही एनडीए की सरकार बन चुकी हो, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं के चेहरे सुर्खियों में बने हुए हैं। बहुमत के साथ सरकार बनाने की कोशिश अब भी विपक्षी नेता लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाई भाई की जोड़ी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जोड़ी आने वाले समय में देश की सियासत में एक बड़ा असर डाल पाएगी। इसी बीच अब चर्चाएं इस बात को लेकर भी तेज हैं कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश की यह जोड़ी पीएम और गृह मंत्री जैसे बड़े पदों के लिए आखिर किस हद तक स्वीकार रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भाई भाई की जोड़ी की। इस पर बात करेंगे और इसी रिपोर्ट में आपको तमाम जानकारी देंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा संकेत दिया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश के राय बरेली लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के लिए वोट मांगते हुए बघेल का कहना था कि यहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। गांधी का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी अगले पीएम। बघेल के दावे पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी से दोनों ने इसे विपक्षी गठबंधन की रणनीति करार दिया है। दरअसल रायबरेली के बटुआ खालसा गांव में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह बड़ा बयान दिया था कि इंदिरा गांधी के बाद अब लोगों के पास इस निर्वाचन क्षेत्र से एक और पीएम चुनने का मौका आ चुका है। लोग इसके गवाह बनेंगे और इसमें योगदान देंगे। उन्होंने सभा का वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा था कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वयं इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि साल 2004 से साल 2019 तक अमेठी से लोकसभा सदस्य रहे राहुल गांधी और उसके बाद वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद रह चुके हैं और अभी भी सांसद के पद पर जीत के बाद बने हुए हैं। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को मतदान होना था। कांग्रेस नेता के बड़े दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उनका ये बयान आया कि इंडिया गठबंधन की रणनीति का ये तमाम बड़े हिस्से हैं और जिस हिसाब से राहुल गांधी का नाम चर्चाओं में है ये रणनीति है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी खुलासा नहीं करूंगा, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत कई बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अब तक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गठबंधन की सरकार बनने पर इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद की घोषणा नहीं की। राहुल गांधी ने पहले ही साफ तौर पर यह बयान दे दिया था कि विपक्ष का गठबंधन आम चुनाव जीतने के बाद अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करने वाला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां वो ये मान कर पूरी ताकत लगाएं कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में लड़ रहा है। उनकी यह हिदायत रायबरेली और अमेठी से जमीनी स्तर पर काम करती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रमों में लाल टोपी पहने सपा समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। वर्ष 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में लगातार काम कर रहे थे ताकि दो निर्वाचन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिल सके, जीत सुनिश्चित हो जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी और रायबरेली में जोरदार प्रचार अभियान चलाया था और आपको ये भी बता दें कि नुक्कड़ सभाओं का भी लगातार आयोजन किया जा रहा था। नुक्कड़ सभाओं और रैलियों को संबोधित किया गया था। इन कार्यक्रमों की विशेषता लाल टोपी पहने सपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में संविधान की एक किताब भी रखी। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली थी। शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान पर नारा लगाया था। राहुल गांधी इस बार आपको बता दें उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए जीत दर्ज कर चुके। इससे पहले वे लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके। शपथ के लिए जब राहुल गांधी का नाम पुकारा गया था तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए थे और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाने लगे थे और जिस हिसाब से नारे तेजी से लगाए जा रहे थे, जीत का पश्चिम राहुल गांधी फहरा चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए बने इंडिया गठबंधन ने अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन बुधवार को ही यानी हाल ही में रायबरेली में वो
वोट मांगते हुए कांग्रेस ने नेता भूपेश बघेल के एक बयान की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब कहीं ना कहीं वायनाड में चुनावी प्रचार हो रहा था तो रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर चला जाए, इसकी एक बड़ी घोषणा खुद प्रियंका गांधी कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने वोटर्स से अपील भी की थी कि आपके पास इंदिरा गांधी के बाद रायबरेली से एक और प्रधानमंत्री चुनने का मौका है। अब इस पर उत्तर प्रदेश में इंदिरा गठबंधन के सहयोगी सपा के मुखिया अखिलेश यादव का जवाब आ चुका था। रायबरेली में अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अरुण खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था। भूपेश बघेल ने जनता से ये साफ तौर पर कहा कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इस पर आखिर आपका क्या कहना है? इस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया जा रहा है। अखिलेश ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कह दिया था कि वो इस बारे में अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इंदिरा गठबंधन ने अपने पीएम कैंडिडेट का नाम का ऐलान नहीं किया। राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के नाम का ऐलान करेंगे और ऐसे में चुनाव के नतीजे आने से पहले भूपेश बघेल के इस बयान से इंदिरा गठबंधन ने सर्वसर भी शुरू की। आपको बता दें कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज कर चुके हैं। सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं सीट जो थी एक तरह से चर्चाओं में बनी हुई थी विपक्ष के लिए। सोनिया मेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया था जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो जो स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी गठबंधन में आप देखें जिस हिसाब से इधर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यानी भाई भाई की जोड़ी ने मिलकर जो जीत दर्ज की है, जो पश्चिम लहराया है, यही जीत कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश साधने की तमाम रणनीति बना रही थी लेकिन यूपी साधन पाई उत्तर प्रदेश में आप देखें जिस हिसाब से इधर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। लाल टोपी पहने अखिलेश यादव ने इस बार अपने हाथ में झाड़ू लिए जो जीत दर्ज की है और वही राहुल गांधी का चुनाव चिन्ह हाथ जो उनका चुनाव चिन्ह माना जाता है यही चुनाव चिन्ह कहना भी इस बार गठबंधन में उनको बहुमत से जीत दर्ज करा के ले जा चुका है। अब लगातार जो चर्चा है वो इस बात पर तेज है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है और उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये जो भाई भाई की जोड़ी है यानी राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है उस जोड़ी में आखिर आने वाले समय में आपको क्या समस्याएं पैदा हो सकती है क्योंकि एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गृह मंत्री बन सकता है। हाल ही में जो तमाम बड़े ऐलान कहीं ना कहीं तमाम बड़े आप देखो जो वायदे कहीं ना कहीं सदन में भी उठाए गए हैं और जिस हिसाब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे का साथ देते भी नजर आए हैं समय में भी जोड़ी जो जोड़ी है वो एक तरह से अगर आप कहते पश्चिम लहरा सकती है जोड़ी जो है वो जीत कर छोड़ सकती है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद पर दोनों ही काबिज होने के लिए योग्य है। कौन बैठेगा, कौन अगर जीत कर छोड़ती है तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा और गृह मंत्री कौन बनेगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।